जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको संभाल रही है, वो देख नहीं सकते लेकिन उन्हें राह दिखा रही है कि आप नेत्रहीन होने के बावजूद दुनिया कैसे देख सकते हैं, उनका उद्धार कर रही है। तो प्रियांक जी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये एक बहुत ही सवाब का काम है, पुण्य का काम है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। किसी शायर ने कहा है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकते। क्या बात, आप गिरतों को थाम रहे हैं प्रियंक जी, और इसका बहुत बड़ा आपको पुण्य मिलेगा, मिल रहा है, मिलता रहेगा। और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संतोष मिश्रा जी को मैं लगभग 8 से 10 साल पहले से जानता हूं। वो निहायत ईमानदार और कर्मठा व्यक्ति हैं और बीच बीच में मेरी मुलाकात होती थी तो उन्होंने कहा भी कि इस तरह का मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं। मैंने कहा ये प्रोग्राम तो आपको 8-10 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। आप सक्षम हैं, मीडिया आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं। कम से कम 100 अगर प्रोग्राम बॉम्बे में होते हैं तो 60 से 70% लोग जो है इनको इनवाइट ज़रूर करते हैं, मतलब इनके बिना प्रोग्राम अधूरा रहता है, ये मेरा कहना है। और बहुत ही मेहनत से उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ और आगे भी वो इसको बढ़ाएँ और हमारा जो भी सहयोग होगा वो हम सहयोग करेंगे उनका। और हम सभी लोगों को मिलकर उनको सहयोग करना चाहिए, जितने लोग यहाँ आए हैं, आप मीडिया कर्मी, आप लोगों को भी मेरा बहुत बहुत थैंक्स। बस इतना ही कहेंगे कि ये इस तरह के प्रोग्राम होने से क्या है, आदमी की हौसला अफजाई होता है, करने वाले का, कराने वाले का भी। तो हमारे हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा था, आगे भी ये प्रोग्राम हो और इससे बड़े लेवल पे हो, ये मेरी शुभकामनाएं संतोष मिश्रा जी के साथ। ये मेरी बेटी है। मैं संतोष जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हम लोग को यहाँ पर उन्होंने बुलाया। और हम सभी को पता है कि वो बहुत ही रेनाउंड जर्नलिस्ट हैं और उनकी ये फर्स्ट स्टेप है, आगे तो उनको जहाँ मिलेगा जिस तरीके से इस प्रोग्राम को उन्होंने कंडक्ट कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। वजह कही है, देखिए संतोष जी हम लोग के, जैसे कि आप हमारे पुराने दोस्त हैं, वैसे संतोष जी बहुत पुराने दोस्त हैं और हमेशा हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, सोचते हैं। तो जब इन्होंने मीडिया की शुरुआत की तो पहली दफ़ा इन्होंने मुझसे कॉल किया, मुझसे बात की कि रज़ा भाई कोई आए या ना आए लेकिन रज़ा भाई और अली खान मेरे फंक्शन में आने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कमिटमेंट कर दिया था। अब चूँकि कमिटमेंट एक महीना पुराना था, बीच बीच में बात होती रहती थी, तो बोले कि टाइटल भी बड़ा अच्छा है अवार्ड का, सिविलियन पॉपुलर अवार्ड। तो अब ये है कि कमिटमेंट दोनों का हो गया था। इन द मीन टाइम रज़ा भाई का बीच में एक्सीडेंट और पाँव में चोट आई, फ्रैक्चर आ गया, तो उन्होंने रज़ा भाई ने मुझसे बात किया कि मियाँ मेरा तो आना बड़ा मुश्किल है, हम तो रज़ा भाई चाहे जैसे भी हो आपको और मुझे जाना, क्योंकि हम दोनों की वजह से उन्होंने अवार्ड शो रखा। तो फिर ये कल लखनऊ से आए, तो जैसे भी उनको लेके आए, मैं मनीषा बंगलोर में शूटिंग कर रहा हूँ, वहाँ से अपने आप को फ्री करके लेके आया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शुरुआत है। और देखिए शुरुआत ऐसी ही होती है, और कोई भी शुरुआत, जैसा कि रज़ा भाई ने भी बताया कि शुरुआत जो है एक छोटे से होती है, फिर धीरे 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 वो चीज़ बढ़ती है। तो जितने भी अवार्डीज यहाँ पे हैं, बहुत बिग शॉट लोग आए यहाँ पे, उन सबको अवार्ड दिया गया, उनको मैं कंग्रेचुलेट करूँगा। और आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मेहनत से, ऑफकोर्स मीडिया के बगैर सपोर्ट से ये काम अधूरा था। यानी भी आज शुरुआत हो गई है संतोष मिश्रा जी की, और वो बहुत जल्दी में भी हैं, उनके बच्चे की शादी भी है। तो सबकी दुआओं से ये प्रोग्राम अच्छा हुआ। और चूँकि मैं फिर से मनीषा बंगलोर जा रहा हूँ शूटिंग, वहाँ पे प्रोड्यूसर से 3-4 कॉल आ गए, क्योंकि पहले ये प्रोग्राम हम लोग को 2 से 4 बताया गया और एग्जैक्ट हम 2 बजे आए भी और 4 बजे जा रही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ये प्रोडक्शन नंबर 1 है अभी वो, उसमें वहाँ पे मुश्ताक खान है, अनिल धवन है, मैं हूँ, ऐसे 4-5 लोग हीरो हीरोइन नए हैं। तो ये 1 शेड्यूल फिल्म है, स्टार्ट टू फिनिश है, और ये चल रही है 15 से 20 दिन से, लेकिन मुझे लगता है कि आज उसका दी एंड। फैयाज़ आप क्या कहना चाहोगे? हाँ एक मिनट, मैं फैयाज़ को, चूँकि फैयाज़ मेरा बेटा, इसका आज बर्थडे है और इस
इसका हमेशा बर्थडे मैंने बड़े धूमधाम से मनाया है, और इसकी ज़िद थी कि जब मेरी शादी होगी पापा तो मेरी शादी में अमिताभ बच्चन जी आने चाहिए, तो माशाल्लाह इसकी भी शादी में आए, बेटी की भी शादी में आए। और मेरे पापा, मेरे डैडी जो थे वो बिहार से, गांव से इसको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। जब मैं बहुत छोटे मकान में रहता था, उसके बाद बड़ा मकान हुआ, वो हमेशा आते गए, इसको इतना दिल से चाहते थे। भैया क्या कहना चाहोगे, रजा जी का आशीर्वाद मिला आपका, खास करके उन्होंने आपको विशेष बर्थडे विशेष क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और संतोष मिश्रा जी को ये अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और जितने अवार्डीज हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और ये अवार्ड आज मेरे बर्थडे के दिन था, तो उस मौके पर रजा अंकल, पापा, हम सब ये अवार्ड में हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इतने सारे लोगों का प्यार मिला, रजा अंकल का प्यार मिला, तो मैं दिल से सबका थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आप लोग से दुआ करना चाहूँगा मेरे फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे फयाज भाई को हैप्पी बर्थडे, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, और जो काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, और जो भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनमें इनको बरकत दे। हम लोग का हमेशा दुआ साथ है, और राजा साहब का वो तो हमेशा दुआ देते हैं, आज से नहीं, बहुत छोटे से फयाज भाई को दुआ देते हैं, और हम लोग सबका दुआ हमारे फयाज भाई के साथ। पहले तो मेरा रिएक्शन है इस अवार्ड के लिए, किस मैंने इसलिए किया है, प्यार मैंने इस अवार्ड को इसलिए दिया है क्योंकि पॉपुलर सिविलियन अवार्ड है। आईफा से लेकर, मैं आज मैंने बोला ही कि आईफा अवार्ड से लेकर यहाँ पॉपुलर सिविलियन अवार्ड, सब हर तरीके के अवार्ड में गई हूँ। मेरे लिए कोई अवार्ड छोटा या बड़ा नहीं है। मेरे भाई संतोष मिश्रा जी हैं, उन्होंने इतनी बखूबी से इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया, और यहाँ पे जितने भी नामी गिरामी लोग आए थे, रजा मुराद सर जी, अली खान जी, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और मैं ऐसे कह रही हूँ, उन्होंने सही कहा था रजा मुराद जी ने कि इस पॉपुलर सिविलियन अवार्ड नहीं, मोस्ट पॉपुलर सिविलियन अवार्ड ज़रूर बनेगा। और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। इरम फरीदी यहाँ पे आकर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल फील करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच संतोष मिश्रा जी। और किसी को आप ज्वाइन करना चाहेंगे, चाह रहे थे, और किसी का इंट्रोडक्शन कराना चाह रहे थे, कौन है वो शख्सियत, हम आपके मुँह से ही जानना चाहेंगे। वो शख्सियत है पहले जो इरम्स एंटरटेनमेंट की जो टीम है, इरम्स एंटरटेनमेंट जो हम बने हैं, हमारा प्रोडक्शन है, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो दो लोग के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। वैसे जो टीम हमारी बड़ी है, चिराग पंचोली क्रिएटिव हेड, हेमेश दीक्षित है मैनेजर, लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई थी वो फैज अली वागले क्रिएटिव प्रोड्यूसर, प्लीज़ कम हियर, एंड हमारे जुनैद शेख जी जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, उनके बगैर भी ये पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारी टीम है, और हम अभी हमने मीट पे से चैट बनाई थी, साथ में हमने फेडोरा रिंकल्स बनाई थी, अब हम बनाने जा रहे हैं शादी बस, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं और डेब्यू कर रहे हैं। जैसे अश्विन कौशल जी ने डेब्यू किया एज अ डायरेक्टर मीट पे से चैट को, वैसे ही अब शादी बस को लेकर आ रहे हैं, फैसली वाले जी डायरेक्ट करेंगे, और हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हमेशा से हमारे साथ हैं। इनका आ रहा है एक बहुत अच्छा टॉक शो पावर विद इरम, जिसको ये मिस्टर जुनैद शेख डायरेक्ट करेंगे, और मैं होस्ट करूँगी। तो आई कैन नॉट से कि मैं पूरी हूँ, मैं पूरी हूँ ही नहीं, मैं इन लोगों के बगैर पूरी नहीं हूँ। कुछ कहना चाहेंगे इरम जी को, आज एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया यहाँ पे, कितनी खुशी होती है एज ए टीम या टीम के पार्ट बनके? खुशी तो होती है कि हर बार एक बोलते हैं ना, एक स्टार जुड़ जाता है हमारे सितारों में, तो मैं हमेशा जब भी अवार्ड मिला, हम बहुत खुश होते हैं कि एक और कुछ चीज़ें हमारे में, एक हमें एक उत्साह मिलता है, एक हमें एक वो मिलता है कि हम आगे बढ़ रहे थे, एक इस तरह बोला है कसला आप ग्लोरी की हमें मिल रहा है। तो आई विल से कॉन्ग्रेचुलेशन इरम की फॉर दिस न्यू अवार्ड, एंड अब ऐसे ही बढ़ते रहो और ऐसे ही झंडे गाड़ते रहो। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पॉपुलर सिविल अवार्ड के संतोष मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इरम जी को इतना बड़ा सम्मान दिया है, इरम से उनके लोगों को इतना बड़ा सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे डेली रूटीन नहीं है अवार्ड्स का, तो वो टेंशन नहीं है, तो यूजफुल लोग है, क्योंकि जब आप समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए अच्छा कार्य करते हैं, तो उसके लिए आपको सम्मानित होना ज़रूरी पड़ता है, समाज खुद सम्मानित करता है, तो इस तरह का ये सम्मानित होना डेली है, रूटीन ही हो गया हमारे। अच्छा काम करो, अच्छी चीज़ें करो, लोगों को लेके चलो, सबको लेके सम्मान करो, आपका सम्मान ऊपर वाला कर देगा। इसमें एक एड ऑन करूँगा, सॉरी कि हम अभी नया ऑफिस, बड़ा ऑफिस लेंगे, कि जस्ट एक अवार्ड के लिए हमको जगह कम पड़ रही है, तो हम नया ऑफिस बड़ा लेंगे, तो हम अवार्ड को और अच्छे से यू नो सजा के रखेंगे।
और एक थैंक्स आप मीडिया वालों के लिए भी बनता है, थैंक यू सो मच अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग का प्यार और विश्वास जो मुझ पर और जो आप मुझे याद करते हैं। तो और दिवाली आ रही है तो मत भूलिएगा आप मुझसे मिलना, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी दिवाली पे, आप सबको बेस्ट विशेज देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं मिस्टर संतोष मिश्रा जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है और अवार्ड दिया है, अवार्ड से सम्मान किया है, और ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो अप्रिशिएशन मिलता है और बूस्टिंग मिलते हैं, अच्छे काम करें तो और अच्छे अच्छे अवार्ड्स कलेक्ट करें, नाम कमाए, अच्छे अच्छे काम करें, मूवीज करें। और रिसेंटली मेरा एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है, उसका नाम बिकली है और बहुत अच्छा गाना है, जैसे ये सिविलियन अवार्ड है, जैसे ये सिविलियन अवार्ड है वैसे ही मेरा एक सॉन्ग है बिकली, दैट इज वुमेन ओरिएंटेड म्यूजिक वीडियो। सो आप वो वीडियो देखेंगे, वो है नंबर डांसिंग बट एक्चुअली अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपको समझ पाएगा कि वो वीडियो एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और बस बिकली करके मेरा म्यूजिक वीडियो है, उसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ। संतोष जी के बारे में यही बोलना चाहूँगी, संतोष जी के आगे हम बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके अवार्ड के लिए भी उनके बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और आगे भी हम उनके साथ काम करते रहेंगे। और मुझे ये अवार्ड जो मिला है वो ससुराल के लिए मिला है, जो कोरोना काल में हमने हॉस्पिटल के लिए, अनाज के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए हमने काम किया है और आज ये 30 साल की मेहनत हमें ये अवार्ड के थ्रू, संतोष जी के थ्रू हमें मिली है, जिसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और संतोष जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये मेरा सौभाग्य है कि संतोष जी ने मुझे सलाह छीना कि मुझे आज यहाँ बुलाया, मैं इनको तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट इन ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स व्हाटएवर ही इज डूइंग। संतोष जी में स्पार्क हमेशा से था, इस अवार्ड शो को लॉन्च करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उस पार्क में बिल्कुल है और आने वाले दिनों में ही विल कीप डूइंग फैंटास्टिक एंड रॉकिंग फॉर द नेशन फॉर श्योर। मुझे सम्मानित किया अवार्ड से, मेरी सिक्योरिटी कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि संतोष जी इसी तरह से आगे काफ़ी डेवलप करें और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हों और एक अच्छे बड़े तौर पर आए। धन्यवाद। मेरा नाम नेहा परदेशी है और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। तो सबसे पहले मैं संतोष जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे अवार्ड देने के लिए एंड उनके इस बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए जिसका नाम है पॉपुलर सिविलियन अवार्ड्स। एंड मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, मैंने अभी अभी एक फिल्म की है जंजाल, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मेरा नाम डॉक्टर आबिद खान है, मैं मेडिकल डायरेक्टर ओनर ऑफ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोकेशन वेस्ट। मैं कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ जो पिछले 15 साल से सोसाइटी को मदद कर रहा हूँ। हमारे मिश्रा जी, संतोष मिश्रा जी हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी वंडरफुल शुरुआत करी है। मैं चाहता हूँ कि इन्हें हर वक्त जो है इनकी तरक्की होते जाए और चार चांद लगे। ये हमारे मित्र है, इन्होंने हमेशा जो है अच्छाई का और सच्चाई का साथ दिया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस अवार्ड से अवार्ड देखिए सम्मानित मैं इसलिए किया हूँ कि एक पेशेंट मैं डॉक्टर साहब के यहाँ लेके गया था, मेरे घर का पेशेंट था, सीरियस था, वो डेंगू था उसको, और मतलब ये हम मान गए थे कि बचेंगे नहीं, उसका इन्होंने अच्छे से इलाज किया और तब से लगभग 10 साल हुआ हमारी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई और लगातार अच्छा काम करते हैं, इसके लिए बड़ा प्रभावित हूँ मैं, इसीलिए आपको एक सम्मान का मौका मैंने दिया है। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग मेरा करीबी दोस्त में एक परिवार का सदस्य भी है और मेरे साथ में करीब 12 से 13 साल से जुड़ा है। आज जो अवार्ड फंक्शन उसने चालू किया है ये जो, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि संतोष मिश्रा दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे और एक अच्छे स्वभाव के पत्रकार भी हैं और उनका ये जो काम है वो अच्छे से बढ़े आगे, बस एक धन। मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी जो संतोष मिश्रा जी जिनका ये सीजन 1 ऑफ द पॉपुलर सिविलियन अवार्ड 2K23 बहुत ही खूबसूरती से एंड सो अमेजिंगली वेल, इतने शांत तरीके से सुपर डुपर रहा है। सो हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड इसका श्रेय मैं जरूर देना चाहूंगी टू आर लिविंग लेजेंड रजा मुराद साहब,
Dr. Anil Kashi Murarka ji, the renowned philanthropist, and Ali Khan Saab, the super actor and a living legend, and also at the same time Iram Faridi, who's a very renowned producer, director, actor, and the one and only Santosh Mishra ji. ये उनका विजन था कि डेफिनेटली उनका अवार्ड शो जिस तरह हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा विजन था उससे कहीं गुना ज़्यादा और खूबसूरत उनका ये अवार्ड हुआ है. तो मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी जो संतोष मिश्रा जी और जो वर्ड्स ऑफ विजडम रज़ा मुराद सर ने, डॉक्टर अनिल सर ने, इराम ने, एट द सेम टाइम अली खान साहब ने दिए हैं, हैव बीन ट्रूली हार्ट टचिंग. सो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस ग्रेट मोमेंट. थैंक यू टू आवर लवली फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया. संतोष मिश्रा जी, सैल्यूट यू कि ये आपकी शुरुआत हुई है. सो आगे आगे देखिए होता है क्या विद ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स दैट यू रिसीव्ड. एंड अखिलेश सिंह सर, इट्स ऑलवेज बीन स्पेशल विद यू, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस तो मैंने इतने खूबसूरती से देखी कि मुझे बड़ा मज़ा आता है. जहाँ पर भी आप होते हैं तो मुझे लगता है कि वाओ, दिस इज द वे एंड द वे टू गो. आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. सबसे पहले तो यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई. जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो हमारे जिन्होंने समाज में कुछ अपना दायित्व निभाया और समाज के प्रति कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाकर पॉपुलर सिविलियन अवार्ड्स में उनको सम्मानित किया गया, जो कि एक तरह से देखा जाए तो संतोष मिश्रा जी का एक उन्होंने एक पहल रखी है कि जितने भी पर्सनैलिटीज़ है जो समाज में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित करके उनको एक तरह का और इंकरेजमेंट दे रहे हैं, जो कि होना चाहिए, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है. इससे जितने भी पर्सनैलिटीज़ आज यहाँ पर जिनको अवार्ड मिला, वो और भी उनको इंकरेजमेंट मिलेगा ताकि समाज के प्रति वो कुछ कर सके, अपना दायित्व जो है वो निभा सके. इसलिए संतोष मिश्रा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मुझे भी यहाँ पर बुलाया, उन्होंने सम्मानित किया, बाकी पर्सनैलिटीज़ को भी किया. ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में भी लोगों को उत्साहित करते रहे, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज मिले कि कुछ समाज के प्रति वो अपना उत्तरदायित्व निभाए. संतोष मिश्रा जी लगभग 25 सालों से मेरे दोस्त हैं और मैंने अनुभव किया है कि वो हमेशा यूनिक काम करने का प्रयास करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा यूनिक काम किया है. और इनका ये जो आगाज़ है ना, ये पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगा और आने वाले दिनों में इनके हर काम लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे. और मैं चाहता हूँ कि ऐसे काम करते रहें, समाज के अच्छे अच्छे लोगों का सम्मान करते रहें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये मौका मिले कि किसने क्या किया है उसका अनुकरण करें और लोग अच्छा अच्छा काम करें, समाज में एक अच्छा मैसेज आए. पहली बार पॉपुलर सिविलियन अवार्ड के लिए संतोष मिश्रा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं. संतोष मिश्रा जी, थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. नाश्ता का सबको करवाते संतोष मिश्रा जी यहाँ पे रजा मुराद सर, अली खान सर और बड़े हर क्षेत्र से शीर्ष के लोग यहाँ उपस्थित हुए, सबको सम्मानित किया गया और सब लोगों ने संतोष मिश्रा जी को आशीर्वाद दिए, शुभकामनाएँ दी. और हम भी यही कहना चाहते हैं, संतोष मिश्रा जी हमारे छोटे भाई के समान हैं, हमें बुलाकर सम्मानित किए, उन्हें स्नेह आशीष देते हैं और निरंतर वो यूँ ही आगे बढ़ते रहें और हम सब कलाकारों को बुला करके सम्मानित करते रहें. हम एक्टर शिव मिश्रा हैं, आप देख रहे होंगे इस समय यारियाँ 2 हमारी फिल्म रिलीज हुई, इसमें पंडित जी की भूमिका मैंने की है. अहिल्या बाई सोनी पे चल रहा था अभी बैंडअप हुआ शो, जिसमें राज पुरोहित मैंने किया. कुमकुम भाग, कुंडली भाग, यह मोहब्बतें बहुत सारे शोज कर चुके हैं. कपस वेब सीरीज हमारी रिलीज हुई अभी. कमांडो भी अब किए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो उनके चलाने वाले हैं. आप सबसे मिलते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे, किसी न किसी शो में, टीवी पे, आपके घरों में हम हमेशा आते रहेंगे. बस आपका स्नेह आशीर्वाद में मिलता रहे. मैं संतोष मिश्रा जी को सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगा. एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको बुला के एक साथ सबका सम्मान करना बहुत बड़ी बात है और इस शो में जो उन्होंने सबके लिए एक सम्मान, एक एक तरह से पूरी मतलब एक ही लेवल पे सबको एक तरह का सम्मान दिया, वो बहुत बड़ी बात है. दूसरी बात, यहाँ एक गेट टुगेदर छोटे से पार्टी से भी हुई, लोग एक दूसरे से मिले, बहुत अच्छा लगा. संतोष भाई ऐसे ही आगे करते रहिएगा, हम संतोष भाई के साथ हमेशा रहेंगे. मेरा नाम कांता प्रसाद है. संतोष मिश्रा जी ने यहाँ पर जो इन्विटेशन दे के बुलाया, इनका सबका मान सम्मान किया, हमारा भी मान सम्मान किया, बहुत खुशी हुई.
और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके इसी तरह से प्रोग्राम होते रहें, हम सब यहाँ आते रहें और मालिक उनको खूब कामयाबी दे। बस क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मेरे ऐसे फर्स्ट एक्चुअली मैं ऐसे भी फ्लाइट हो चुकी हूँ, लेकिन मैं इधर मैं आई हूँ एयरपोर्ट, मुझे मिला संत जी के यहाँ से, मुझे बहुत खुशी मिली और ये अवार्ड मुझे मिला और ये मेरा फर्स्ट टाइम मुंबई में मुझे अवार्ड मिली है संत सर के लिए। थैंक यू सो मच संत सर, थैंक यू सो मच ब्लॉग वीडियो, थैंक यू सो मच। और लेट आने का कोई वजह बताएंगे? लेट आने का वजह ये है, एक तो मुझे मुंबई का कोई कुछ पता नहीं है और ड्राइवर ने मुझे थोड़ा मुंबई का वो कहता है ना कहावत है, थोड़ा सा अगर पता नहीं तो पूरा मक्खा मुंबई घूम लो, मुझे घुमा दिया आज। हाँ लेकिन शो का टाइम तो बिल्कुल ही नहीं। बैनर के तले तो क्या कहना चाहेंगे? आज पहला पॉपुलर सिविलियन अवार्ड जो संतोष मिश्रा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि पूर्ण रूप से भूमिका अपना पूर्वांचल महासंघ ने निभाई, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे आज जिस तरह से उपस्थित हुए, ये संतोष मिश्रा का एक अथक प्रयास था। और पहले ही फंक्शन में, पहले ही प्रोग्राम में जिस तरह से चुन चुन करके लोगों को बुलाया गया, जिसकी खुद की पॉपुलरिटी है सिने जगत में और अलग अलग फील्ड में, कोई बिल्डर है, कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो ये एक अहम भूमिका रही मिस्टर संतोष मिश्रा की, जिसमें कि सारी चीज़ें एक सुचारू ढंग से सुचारू रूप से किया अरुणाचल महासंघ के विनय के तहत। क्या कुछ कहना चाहोगे? कितनी खुशी हो रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं स्पेशल थैंक यू संतोष मिश्रा जी को कहना चाहूँगी कि उनकी बदौलत आज मुझे पॉपुलर सिविलियन अवार्ड्स मिल रहा है और मैं आशा करती हूँ और बेस्ट विशेस देती हूँ संतोष जी को कि वो फ्यूचर में ऐसे ही ग्रोथ करते रहे। थैंक यू सो मच संतोष जी फॉर द सपोर्ट। और अयोध्या में आप 14 दिन नहीं रामलीला का पाठ रही हैं, अयोध्या के रामलीला का, बहुत बड़ी बात है, इसी खुशी हो रही है। क्या किया आपने, क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस, और इतने बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर थे, बिल्कुल क्या कुछ कहना चाहिए? जी यार, मैंने अयोध्या की रामलीला 2023 में भी काम किया है, ऑलमोस्ट 10 डेज का था पूरा, लाइव स्ट्रीम हुआ था डीडी भारती पर, मैंने शिवा मैम के साथ स्टेज शेयर किया, सुनील पाल सर के साथ किया, देन अपनी भाग्यश्री मैम भी उस प्ले की हिस्सा थी। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स भी प्ले करने का मौका मिला, जैसे कि कौशल्या, पार्वती, सुमित्रा, अंतारा, और भी कई किरदार थे, बट मज़ा आया ये किरदार निभा कर। थैंक यू सो मच। देना चाहूँगा डॉक्टर अनिका शिमुरारका जी का, इरम फरीदी मैडम जी का, रजा मुराद जी का, अली खान जी का और अशोक दुबे जी का, तमाम रोशन रिमझिम जी हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे लिए बड़ा सपोर्ट किया। और थैंकफुल हूँ मैं अखिलेश जी का, जिन्होंने शुरू से ही मुझे मार्गदर्शन दिया है, रात को 10-10, 11-11 बजे तक मेरे साथ तैयारी में मेरा सपोर्ट करते रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के, कोई भी स्वार्थ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं इनको कुछ है, कुछ भी नहीं है, मुझे हमेशा जहां मुझसे कोई गलती होती थी ना, मुझे ये रोकते कि नहीं ये काम ऐसे नहीं, ऐसे आपको पेश करना है, और इसके बाद भी जो जैसे हुआ अगर कुछ बुरा हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और अच्छा हुआ तो अगली बार मैं इससे बेस्ट करूँगा। तो मैं अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि अखिलेश जी दोस्तों मेरे लिए कुछ बोलें। थैंक यू संतोष जी। देखो क्या है कि हम लोग बड़े क्लोज मित्र हैं और आज से नहीं, आज 10-12-15 साल से पुराने मित्र, और मित्र वही होता है जैसे अभी अली खान जी ने अंदर बोला कि सबसे पुराना मित्र अगर आपका है तो वो अच्छा माना जाता है, सबसे पुराना नौकर अगर आपके साथ है तो वो अच्छा व्यक्ति माना जाता है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा संतोष को, संतोष जी को, संतोष मिश्रा जी को। पॉपुलर सिविलियन अवार्ड पहला अवार्ड था और भव्य अवार्ड हुआ, बहुत सक्सेसफुल अवार्ड हुआ, बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे, लोग आए और इनको सपोर्ट करने के लिए लोग आए और अच्छा इवेंट हुआ, इसीलिए मैं इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा और आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और इस शो का, इस अवार्ड फंक्शन का पार्ट बने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये चलते चलते अयोध्या की रामलीला की फेम एक्ट्रेस मंगीसा जी हैं, बॉबी मलिक उसके प्रोड्यूसर हैं, उनका कॉल आया था, उन्होंने रिकमेंड किया कि मंगीसा जी को क्या सम्मान मिलना चाहिए, मैंने इनका अभिनय देखा
अभी वहाँ पे अभिनय करके आई हैं, उसमें रवि किशन जी, रजा मुराद जी, बिंदु दारा सिंह, मतलब तमाम बड़े सेलिब्रिटी अयोध्या जाके अभिनय किए हैं। वहाँ पे आपने पार्वती, कौशल्या जैसे तमाम और भी रोल किए, तो मंगीसा जी आई कहा ही जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे पॉपुलर सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया। मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में आप ऐसी ही ग्रोथ करें और आपके सारे अवार्ड शो सक्सेसफुल हो और यू नो आप कभी फ्यूचर में आई एफ आई के लेवल तक पहुँचें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।